हेलो गाइस, टेलीफोन ऑल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रिवर्स चार्ज को लेकर काफ़ी सारे लोगों में जो कन्फ्यूजन है, जैसे कि हम जब अनरजिस्टर्ड डीलर से कोई गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं तो उस पर रिवर्स चार्ज कैसे लगाते हैं, कैसे हमें 5000 पर डे वाली जो एग्जेम्पशन लिमिट है उसको अप्लाई करना होता है, हम अपने बैलेंस शीट में रिवर्स चार्ज के थ्रू कैसे अपनी लाइबिलिटी को बुक करते हैं और कैसे हम इसके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, और जिससे आपको मेरी टैली और GST की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, जब भी हम कोई गुड्स या सर्विस किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेस करते हैं तो उस पर हमें रिवर्स चार्ज अप्लाई करना होता है, और साथ में गवर्नमेंट ने हमें इस पर एक 5000 पर डे की एग्जेम्पशन लिमिट दी हुई है, जिसमें अगर आपकी परचेज 5000 से कम है तो उस पर आपको RCM के थ्रू टैक्स नहीं लगाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको यहाँ पर जो ध्यान रखनी है वो ये है कि ये जो 5000 पर डे की वाली एग्जेम्पशन लिमिट है वो तभी एप्लीकेबल होगी जब आप एक रजिस्टर्ड डीलर या कंपनी हैं और आप किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से कोई इंटरस्टेट परचेज, मतलब कि लोकल परचेज करते हैं। अगर आप इंटरस्टेट मतलब कि किसी और स्टेट से परचेज करते हैं तो उस पर आपको 5000 पर डे की एग्जेम्पशन लिमिट नहीं मिलेगी। अब इसको एंट्री के थ्रू करके देखते हैं और उसको समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एंट्री करने के लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में और यहाँ पर हम परचेज में एंट्री करेंगे। तो परचेज में एंट्री करने के लिए प्रेस करेंगे F9 और यहाँ सबसे पहले अपनी डेट चेंज करेंगे, प्रेस करेंगे F2। अब हम अपना पार्टी अकाउंट बना लेंगे, उसका लेजर बनाएंगे, प्रेस करेंगे और प्लस C, और ये मेरी लोकल परचेज है जो, और मैं जो डीलर है वो एक अनरजिस्टर्ड डीलर है। योगा सेंडरी कैरेक्टर्स में इसको यस कर लूंगा, यहाँ पे इसकी इसको ले लूंगा अनरजिस्टर्ड। यहाँ पर परचेज लेजर बना लेंगे, योगा परचेज अकाउंट में इसको गुड्स लेके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम अपनी आइटम बनाएंगे, इसके लिए प्रेस करेंगे और प्लस C, इसको यस करेंगे, इसकी डिटेल डाल देंगे, ऑन वैल्यू और टैक्सेबल, और यहाँ मैं जो मेरा टैक्स रेट है वो फिक्स लेता हूँ 18%। मैं अपनी क्वांटिटी डालता हूँ और उसका अमाउंट जो है वो हम 5000 से कम रखेंगे। अब देखिए, अब आप यहाँ जब टैक्स एनालिसिस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये आपका जो GST है वो यहाँ शो करेगा कि आप कितने टैक्स के लिए लायबल हैं, बट हमारी जो इस परचेज है वो 5000 पर लिमिट 5000 की जो हमारी लिमिट है उससे कम है तो इस पर हमें एग्जेम्पशन मिलेगी और इस पर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, उसको हम चेक करेंगे GST या रिपोर्ट्स में, वापस जाएंगे, GST R2 में जाएंगे तो हमें ये B2B इनवॉइस में आपको ये एंट्री दिखेगी। यहाँ देख सकते हैं आपका जो टैक्स है वो कितना है, बट आपको इसको देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, आपको जाना है GST R3 में और आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपको कितना टैक्स पे करना है। आप प्रेस करेंगे ऑल प्लस R और देखिए यहाँ पे आपको कोई भी एंट्री शो नहीं हो रही क्योंकि आपकी जो परचेज थी वो उसकी जो अमाउंट था वो 5000 पर डे से कम था तो इस पर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। अब मैं आपको एक एंट्री और करके दिखाता हूँ जिसमें हम अपना अमाउंट जो है वो 5000 से ज़्यादा रखेंगे, तो हम वापस जाएंगे
अकाउंटिंग वाउचर में। अब पहले मैं अपनी डेट चेंज कर लेता हूँ, लेता हूँ 2 जुलाई। मैं पार्ट अकाउंट सेम ले लेता हूँ, अननेसेसरी जो हमारा था 25, आइटम ले ली मैंने। अब यहाँ पे हम अपना अमाउंट जो है वो 500 से ज़्यादा रखेंगे, तो मैं क्वान्टिटी लेता हूँ 5, और ये मेरा होगा 10,000। आप टैक्स एनालिसिस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये दिख जाएगा कि आपका जो CGST और SGST है वो कितना है और आप कितने टैक्स के लिए लाइबल हैं। इसको ऑफिस जाएंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब हम GSTR रिपोर्ट में जाएंगे। अब GSTR2 में जाएंगे तो देखेंगे B2B इनवॉइस में हमारी दोनों एंट्री शो कर रही है और आपको यहाँ पे दोनों का जो टैक्स अमाउंट है वो भी देखा जाएगा। आपको चेक करना है कि आपको जो टैक्स एक्चुअल टैक्स पे करना है वो कितना करना है, तो उसके लिए आप जाएंगे GST R3B में, यहाँ प्रेस करेंगे Alt+R, तो आपको यहाँ पे आपकी जो 500 पर डे से ज़्यादा जो लिमिट है आपकी, तो आपके लिमिट से अगर ज़्यादा अमाउंट है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। देखिए, हमने जो अभी एंट्री की थी उसका जो अमाउंट है वो हमारा 10,000 था, तो ये हमें यहाँ पे शो कर रहा है, और उस पर जो हमें टैक्स पे करना है वो करना है 1800। और यहाँ चेक कर सकते हैं हमारी जो लाइबिलिटी है वो हमें कितनी बुक करनी है। अब आपको अपनी लाइबिलिटी जो बुक करनी है CGST और SGST 900 900, उसके लिए आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी होगी, तो उसके लिए आप यहीं पर स्टेट एडजस्टमेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नेचुरल एडजस्टमेंट ले लेंगे आप इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, और रजिस्टर डीलर में लेंगे आप परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। अब यहाँ पर आपको एक लेजर बनाना होगा टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज के लिए, तो हम बना लेते हैं। ये मेरा होगा करंट एसेट्स में, उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। नाउ जो मेरा अमाउंट होगा वो मुझे पे करना था 1800, और क्रेडिट में भरा हो मैं बना लेता हूँ अपना जो CGST और SGST है उसके लिए लेजर बना लेता हूँ। प्रेस करेंगे और +C ड्यूरी नेट टैक्सेस में GST, ये होगा सेंट्रल टैक्स, और जो मेरा अमाउंट होगा वो होगा मेरा 900। ऐसे ही SGST के लिए बना लेते हैं, और ये भी मेरा 900 हो जाएगा, उसको मैं एक्सेप्ट कर लेंगे, और हमारी एडजस्टमेंट एंट्री जो है हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज करने की उसकी एंट्री हो जाएगी। अब इसके बाद हम बैलेंस शीट में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे आपको यहाँ ड्यूटी नेट सेक्शन में आपका जो अमाउंट वो टैक्स था वो यहाँ शो कर रहा है, मतलब आपको ये पे करना है। अब उसको पे करने के लिए हमें एंट्री करनी होगी, तो उसके लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, यहाँ हम जाएंगे पेमेंट वाउचर में, तो उसके लिए प्रेस करेंगे F5, और अब यहाँ पे हमें जो एंट्री करनी है वो नेक्स्ट मंथ में, जो हमें टैक्स पे करने की एंट्री करनी है वो नेक्स्ट मंथ करनी है, तो मैं डेट चेंज कर लूँगा, ले लूँगा 1 अगस्त। अब आपको यहाँ स्टेट पेमेंट पे क्लिक करना है, और यहाँ ले लेंगे GST जुलाई से जुलाई, और यहाँ ले लेंगे रिसिप्टेड लाइबिलिटी। अब यहाँ आप अपना अकाउंट ले लेंगे, आप किसके थ्रू, बैंक के थ्रू या कैश पेमेंट करने बोले लेंगे, मैं कैश ले लेता हूँ। और यहाँ पे अपना CGST और SGST ले लेंगे, मेरा CGST था वो था 900 और SGST 900, और ये हो गई हमारी पेमेंट करने की एंट्री। अब आप अपनी बैलेंस शीट में चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपका जो ड्यूटी एंड टैक्सेस में जो अमाउंट था वो यहाँ शो नहीं कर रहा, क्योंकि हमने इसके लिए टैक्स पे कर दिया। अब टैक्स पे करने के बाद आप इसके लिए यहाँ देखेंगे तो टैक्स पेड ऑन रिवर्स चार्ज यहाँ पे आपको शो कर रहा है, मतलब आपको इस पर आप जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो क्लेम करेंगे। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए आपको एंट्री करनी होगी, तो उसके लिए आप वापस जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, जाएंगे जनरल में, उसके लिए प्रेस करेंगे F7, और फिर यहाँ स्टेट एडजस्टमेंट पर क्लिक करेंगे, GST यहाँ ले लेंगे हम इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, और रजिस्टर्ड डीलर में लेंगे परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। अब यहाँ पर हमें एक रिवर्स एंट्री करनी है,
तो जैसे हमने पहले एक एंट्री की थी हमने कि हमने जब अपनी जो टैक्स लाइबिलिटी वो इंक्रीज की थी, अब हमें उसकी रिवर्स एंट्री करनी है। तो यहाँ ले लेंगे CGST, ये था मेरा 900, फिर SGST, ये मेरा 900 था, और क्रेडिट में लूँगा मैं टैक्स पे ऑन रिवर्स चार्ज, ये 1800, और फिर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हो गई मेरी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने की एंट्री। अब हम वापस चेक करेंगे बैलेंस शीट में और देखेंगे यहाँ पे आपको ड्यूटी इन टैक्सेस में ये माइनस में शो कर रहा है, मतलब कि आपको इस पर इम्पोर्ट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है, आपको इस पर AITC मिलेगा। अब हम चेक करेंगे GST रिपोर्ट्स में GST R3 में जाएंगे तो ये आपको यहाँ पे एलिजिबल ITC में शो करेगा। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस कि कैसे हम रिवर्स चार्ज के अंदर एंट्री करते हैं, कैसे इस पर हम टैक्स लगाते हैं, कैसे हमें इस पर एग्जेंप्शन मिलती है, कैसे हम इस पर टैक्स पे करते हैं और कैसे हम इसके लिए ITC क्लेम करते हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी प्रैक्टिस कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलूँगा। थैंक यू।